कि गाइज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एल और चाबी का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है इसका मार्किंग करना तो आप जो है ज़रूर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बिना स्क्रैप निकाले हम जो है मार्किंग करेंगे बहुत ही आसानी से। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में जब नया था तो मेरे को भी ये सब का आइडिया नहीं था और हमें जो है कहीं से किसी से पूछना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि अगर आप नए हो तो आपको जो है आसानी से ये सब कुछ मालूम हो जाए। तो वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मार्किंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो सीधी लाइन हमने यहाँ पर खींच दिया। ओके, एक हमने रखा है 60 का लाइन है पहले वाला और इधर का भी, दोनों 60 पे हमने दो सीधा लाइन खींच दिया। ओके, और अभी यहाँ पे 50 एमएम का हम जो है मार्किंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से करते हैं और कितना इजी है मार्किंग करना और बिल्कुल स्क्रैप भी उसमें नहीं निकलेगा, थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो 50 का हम इधर पर भी मार देते हैं। एल अगर आप बना रहे हो तो कम से कम 20 एमएम का प्लेट ले लीजिए और 50 एमएम का तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कम का रखोगे तो ज़्यादा उस पर जो है काम नहीं करेगा, वो बेंड हो जाएगा। प्लेट 10 एमएम का रहेगा तो उसके बाद देखिए ये दोनों को इस तरीके से मिला देना है। ओके, और ये देखिए ये हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ओके, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर दो एल हमारे पास रेडी हो चुका है। ओके, एक इधर का और एक इधर का, आप देख सकते हो ये पूरा मिलाना पड़ेगा। तो देख सकते हो दो एल यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है मार्किंग करेंगे पूरा का और 8 एल इसमें हम निकालेंगे, कहीं पे भी स्क्रैप नहीं बचेगा। आप देखिएगा अभी बीच का जो छोड़ा हुआ है, जो बीच में जो लाइन खींच रहे हैं वो 100 mm है। ठीक है, मतलब ये प्लेट लगभग 220 का है तो 60 mm हमने इधर का छोड़ा हुआ है और बीच का 100 mm रखा है। ओके, देखिए दो एल और यहाँ पे रेडी हो चुका है। फिटिंग में इसका बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, पाइप वगैरह जब फिटअप करते हैं तो उस समय हमें एल का रिक्वायर्ड होता है। सात और ये टोटल 8 एल हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। ओके, और चलिए बाजू में आपको अब दिखाते हैं कि चाबी हमने किस तरीके से मार्किंग किया हुआ है। वो तो चाबी का मार्किंग हो चुका है लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने चाबी का मार्किंग किया। ये देखिए सब में हमने नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, 70 का एमएम हमने ये रखा हुआ है और जो हमारा लेंथ है वो 220 mm का है। ठीक है, आप इसको 70 से थोड़ा कम भी कर सकते हो, 60 या फिर 50 वो भी चल सकता है। ओके, देखिए कटिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये जो प्लेट है जिसमें एल हमने मार्किंग किया उसका प्लेट का साइज है 210/400। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एल और चाबी का मार्किंग करते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएँ और सर्च कीजिए फिटर की पूरी जानकारी, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए फिटर की पूरी जानकारी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, पाइप फिटर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हमने उसमें डाल के रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।